दो। शाखा मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। शाखा ने तो उन्हें माफ नहीं किया जिन्होंने गलती नहीं की है, और तूने तो गलती की है, शाखा के खिलाफ बगावत की है। शाखा मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तुझे अपने परिवार की और अपने बच्चों की फिक्र ही कहाँ है, तुझे तो गांव वालों की फिक्र है, गांव वालों की। सरदार अपना फैसला सुनाओ। हमें वो पसंद नहीं जो हमारे खिलाफ आवाज उठी, अगर आवाज उठी तो उसकी आवाज इसी तरह बंद कर दी जाएगी। राम सिंह। यस सर। ठाकुर के केस का कुछ पता चला? सर वो फाइल आज तक किसी ने नहीं उठाई। उठाई नहीं, पर क्यों नहीं उठाई? क्योंकि शाखा का डर इतना है, सबको अपने बीवी बच्चे पालने हैं। शाखा? कौन शाखा? देखो गांव वालों, अगर किसी ने भी पुलिस में खबर करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। देखो गांव वालों, अगर किसी को जीना है तो शाखा के रहम और करम पे जीना होगा। चलो। अबू, बंदूक तो मैंने छुपा दी, गांव में डकैत आ रहे हैं, कभी आपकी बंदूक भी ले जाएं। चुप रहो। मेरा सही गुकार है। मुझे क्या पता, अगर उनका घर में पांव रुकता हो तो बताऊ ना। अबू तुम यहीं बैठ जाओ। धर्मा रुक जा, शाक आ गया। क्यों रे हराम जादे, तूने अभी तक अनाज को नहीं पहुंचाया? सरदार मेरे बीवी बच्चों की तबीयत खराब हो गई, सरदार सारा पैसा उसमें चला गया। सरदार माफ कर दो सरदार। तबीयत खराब हो गई थी तेरी, हराम खोर। शाका मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा जल्दी। जो हमारा काम नहीं करता उसको हम गोली मार देते हैं। शाका नहीं। चलो सरदार। टमाटर ले आया, रुखसाना भी खुश हो जाएगी, चटनी भी पकवाऊंगा।
अबे अबे ये मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे है? नहीं नहीं शिकर के लाल है। अबे ठीक है बेटा। बा कौन बा रास्ता घेरे खड़े हो? अपना काम करो, तुम्हें काम नहीं अपने घर पे साला रास्ता घेरे खड़े। अबे क्या है इसमें? क्यों कुछ भी हो तो धार रहे नहीं बताता, इसमें टमाटर है। अबे दिखा खोल के सरदार को। सरदार दिखा दे, तेरा बाप का माल है, खोल के दिखा दे सरदार को। अबे दिखा दे, कुछ हमारे काम का होगा तो ले चलेंगे। तेरे काम का ले चलेंगे, तेरा बाप का माल है तेरा। अबे शाह का नाम है मेरा, आज के बाद अगर इतनी जुबान चलाई तो काट के रख दूंगा। चलो चलो सरदार। देखा भगत का मसाले साले, ईद के दिन मरेंगे साले। चारो ने मेरे टमाटर मोड़ दिए साले, तो खराब क्या खाएगी? चारो ने मेरे टमाटर मोड़ दिए, मसालो ने मेरे टमाटर मोड़ दिए। अब अबू मारेगा, रुक साला मारेगी से एक्चुअली टमाटर मोड़ गया। चारो ने मेरे टमाटर मोड़ दिए साला, ईद के दिन मरेंगे साले। अरे अभी साला रू बोल रहा क्या इसमें? बता दे इसका बाप का माल है साले का। टमाटर मार दिए साले ने, आए साले मर गया। हाँ तो भाई लोग, अब आप लोगों ने मुझे यहाँ किसने बुलाया है? प्रधान जी, अब भी कुछ बताने की जरूरत रह गई? जब साका ने मेरा पूरा परिवार ही मार दिया और मेरे घर जाकर किसी ने देखा भी नहीं, मेरे माँ बाप तड़प तड़प कर मर गए। अरे तुम लोग क्या करोगे जब पूरा इलाका ही डाकू शाका कुछ नहीं बिगाड़ सका? प्रधान जी, डाकू शाका का कहर इसके अंदर बढ़ता रहा तो आने वाली अगली फसलों का क्या होगा? भाई जलालू, क्या शाका डाकू से मुझे दुश्मनी लेके मरना है? तुम्हें मालूम है 5 प्रधान मार चुका वो गांवों के। इसका मतलब है आज 4 लाशें उठी है, कल को 10 लाशें उठेंगी, क्यों भाई? अरे जलालू, अभी तो ये हाँ कह रहे हैं और किसी एक से चलने को भी कहूंगा तो ये ना करेंगे। आओ तो सब साथ है, लेकिन ना तो तुम कर रहे हो। प्रधान उसी को चुना जाता है जो सबका साथ दे। अगर ये बात है तो हटा दो मुझे प्रधानी से, मैं अभी दिखाता हूं। सुन भाई मनोज, तू पुलिस में रिपोर्ट करने जाएगा तो तू क्या डाकू शाखा के खिलाफ जाएगा? ना भाई ना, मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। साले कब मगर साले ईद के दिन मरेगा साले कब मगर। अब मेरे टमाटर पड़ दिया। ये क्या हो गया सिंह जी, तुम्हें किसने मारा इतना? साका ने मारा मुझे, साका ने मारा मुझे। और अब तुम क्या पकाएगी? मेरे टमाटर भी फोड़ दिए। टमाटर गए भाड़ में, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग रही है। अरे कब का सारे मार डाला सालों ने। और अबू मारू था ना? अबू तो पंचायत में गए हैं, गांव में डकैत आ रहे हैं, अमर के पिताजी को मार कर चले गए। अबू को मार देंगे, मुझे भी मार डाला, मगर कहाँ गया सांड? बताई तो है, पंचायत में गए हैं। पंचायत में गया? पंचायत में क्या कर रहा? मैं देखता हूँ जाके, देखता हूँ जाके। आ रहा हूँ अब्बू, वहीं आ रहा हूँ। तो फिर कौन जाएगा पुलिस में रिपोर्ट करने? बोलो। प्रधान जी, डाकू शाखा का कहर इसके अंदर बढ़ता रहा तो आने वाली अगली फसलों का क्या होगा? ठीक है जलालू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रधान जी, अगर यही आलम रहा तो आने वाली नस्लों का क्या होगा? आने वाली नस्लें तो खराब हो चुकी अब्बू। आज ये तेरा बेटा उसी साका की भेंट चढ़ गया होता अगर मेरे सिर पे टमाटर ना होते। मुझे साला रास्ते में मिले, पहले मेरे टमाटर फोड़े और फिर मुझे फोड़ा, मेरे टमाटर का बदला लेना अब्बू। प्रधान जी, हम जाएंगे साका डाकू का ठिकाना बताने के लिए पुलिस में। ठीक है जलालू, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रधान जी की जय। प्रधान जी की जय। सरदार, कोई आ रहा है। गौर से देखो कौन है। सरदार, खबरी आ रहा है। आओ खबरी बैठो। सरदार, पुलिस से बच के रहना,
खबर पहुंचने वाली है लस्सी पी के। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो पुलिस तक जा सके? जलालुद्दीन की माँ ने दूध पिलाया है। क्या जलालुद्दीन? कौन है ये जलालुद्दीन? वो है कीनापुर का प्रधान। दोनों ने मिलकर कसम खाई है लस्सी पी के। इस इलाके में ऐसा कोई जीव पैदा नहीं हुआ जो पुलिस तक दौड़ सके। जो गया काट के दरिया में बहा दिया। सरकार आज ज्यादा लूंगा लस्सी पी के। बकवास बंद कर, अपना इनाम ले और निकल। ये ले। चलता हूँ सरदार। चुप रहो सेठ जी। सेठ जी, क्या तुम्हें पता है तुम दवाई लगाकर बिल्कुल ऑल आउट की तरह लग रहे हो। ऑल आउट? मैं ये क्या ऑल आउट? अजी वो जो टीवी में दिखाते हैं मच्छर खाने वाला, अगर तुम कुछ मच्छर खाओगे तो गांव के मच्छर कम हो जाएंगे। गांव के मच्छर कम हो जाएंगे? हाँ। रुक जाना, तू ऐसा कर, एक बार मुझे करके दिखा कैसे खाने। ठीक है, मैं अभी करके बतलाती हूँ। ठीक है, फिर तो मैं कर दूंगा। ध्यान से देख लो, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करना है तुम्हें। बैठना पड़ेगा। देख लिया? हाँ। अब आ जाओ। ठीक है, अब आता हूँ मैं। अब देख मेरा भी करिश्मा। मैं हंस क्यों रही है? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि तुम सचमुच में मच्छर खा गए। मच्छर खा गया? थाली ने मच्छर खिला दिया मुझे। थाली मुझे मच्छर खिलाएगी? मच्छर खिलाएगी मुझे? खिलाएगी? मच्छर खिलाएगी? मच्छर खिलाएगी? जान से मार दूंगा। मच्छर खिलाएगी? हराम जाता है, बोबू क्यों मार रहा? क्या बतलाऊं अब्बू? अब्बू तुम्हें पता, ये मेरे से ही कह रही, जैसा टीवी में ऑल आउट दिखाते हैं ऐसा करके दिखाऊंगा। काम धाम से तुझे है नहीं पागल, इस बहू की दही तोड़ दी बेचारी की। हाँ, तुम ही मुझे कह लगे, जल्दी कर जा, निकल जा, निकल जा। सांग आया, पढ़े पढ़ाने आया, पढ़ा साली को पढ़ पढ़ पढ़ाने साले पढ़ा रही है। तू ये कर तो दिखा रही है साले। चल जा, चल जा, चल जा, चल जा। और अब्बू भी मुझे कह रहा, मुझे कह रहा अब्बू भी साली किसी और ले रहे। मैं तो लेटता हूँ, मैं तो वैसे ही पिटा पड़ा हूँ। साले मेरा बर्बाद किया, साले मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा साले। अरे जगावर, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ बिजली। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जगावर, ये क्या बदतमीजी है? सरदार को पता लगेगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सरदार मैं नहीं बन सकता क्या बिजली? मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखा। जान से मार देगा सरदार तुम्हें। रुक बिजली, बिजली रुक जा, बिजली बिजली रुक, रुक बिजली रुक। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दे बदमाश। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बिजली, बिजली पे तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज आज बहुत दिनों में तुम्हारे भूल भी जाएगा। आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं साका, इसे छोड़ दो, ये तो पागल है। तुम भी पागल हो रहे हो? इस कुत्ते ने ऐसी हरकत की है, हमारे गिरोह का नाम बदनाम किया है। सरदार मुझे माफ कर दो, सरदार मुझे माफ कर दो, सरदार मुझे माफ, सरदार ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होगी, सरदार मुझे माफ कर दो, ऐसी गलतियां आज तो तुझे माफ करता हूँ हरामजादे, लेकिन कल या कभी तूने ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। चला जा मेरी नजरों के सामने से। Thank you.
देखो इंस्पेक्टर, अगर तूने कीनापुर की रिपोर्ट लिखी तो अपनी मौत की सामग्री भी साथ लिख देना, क्योंकि मैं तुझे यहाँ समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे वार्निंग देने के लिए आया हूँ। हे इंस्पेक्टर, अगर तूने रिपोर्ट लिखी तो समझ ले तू गया। बिजली नाम है मेरा, बिजली 1000 वोल्ट का करंट रखती हूँ, तुझे जलाकर खाक कर दूंगी। समझ गया होगा, चलो चलो शाका। यार खबरी, जरा जल्दी काम कर, मुझे थाने पहुंचना, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से थानेदार चला जाए। प्रधान जी, क्या बात होगी लस्सी पी के? थाने में क्यों जा रहे हो लस्सी पी के? अबे तुझे क्या मतलब है, तू अपना काम करता रहे। तुम जैसे कारो क्या पता लस्सी पी के या पानी पी के। जलालू बैठो, गुस्सा अच्छा नहीं, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं। अगर प्रधान जी लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, मैं आगे तक जाऊंगा। क्या ये ठीक कह रहे लस्सी पी के? हाँ खबरी, ये ठीक कह रहा है, बर्दाश्त की भी हद होती है, डाकुओं ने हद कर दी है। प्रधान जी, मैं तो चला लस्सी पी के, मुझे और गांव में भी जाना लस्सी पी के। चलो जलालू, चलो हमें भी चलना है, चला देखते हैं थानेदार क्या कहता है। ओवे ओवे, कम मानने की कम नखत, बार रुखसाना अगर मान जाए तो ठीक हो जाएगा। मान ही नहीं रहे, अगर एक बार ही सारा सा कर दे तो मैं मान जाऊंगी। कम मानेगी, बोल ही नहीं रहे। अगर एक बार बोल जा मैं तो मान जाऊंगा, एक बार कहती एक बार हंस के दिखा दे, मान ही ना रही। वह रुखसाना बोले तो सही मगर इशारा नहीं किया। वह बोल भी ना रही, वह इतनी बड़ी गलती थोड़ी करती मैंने। वह बोल जा, वह राजी हो जा। देख अब्बू की साइकिल खाली खड़ी है, और तेरे जंगल में घुमा के लाऊंगा। साइकिल से नहीं मानूंगी आज। अभी नहीं बोल रही है, साइकिल से भी नहीं मान रही। नहीं मानी तो ऐसा कर, निकल ले, निकल निकल ले, साले गुस्से में हो रही है। ओए ओए, तो सही भी निकल गई, सेक सी लिया, अगर रोजाना लूट गई तो अब्बू बक्कल तार देगा मेरा। हाँ साइकिल बने, साले को मोटरसाइकिल बनाऊंगा पड़ोसी की, मोटरसाइकिल बैठते मान जाएगी रुखसाना। ठीक है, हमें इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? प्रधान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच के लाई है। सागा, जब तक इस मुल्क में तेरे जैसे भेड़िए हैं, इस मुल्क का भला नहीं हो सकता। अपनी जबान को लगाम दे जलालू, वरना इतना करंट उतारूंगी कि 3 पीढ़ियां अंधी पैदा होंगी। सेठ जी, अब्बू अब्बू। चुप रहो सेठ जी, हमें भी देख लेंगे। हाँ रुखसाना, ये वो सागा डाकू है, इन्होंने सालों में उस दिन टमाटर फोड़े, सरदार अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। जगावर, शाह का हर खतरा मिटा के चलता है, देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रुखसाना, मुझे लगे सालों ने अबू के भी टमाटर फोड़ दी थी। क्या सेठ जी, चलो यहाँ से घर चलते हैं। जगावर, मिट गया सालों का लफड़ा, चलो चलो।
प्रताप सिंह कहाँ हैं? वो नहीं, अभी तक अड्डे पर राशन क्यों नहीं पहुँचा? ए बुढ़िया, अगर ज्यादा बोलेगी तो जला डालूंगी। राम जादव मेरी माँ को जलाओगे? मारा साले को। गांव वालों ने अगर हमारा राशन टाइम पर नहीं पहुंचाया तो उन सब का यही हश्र होगा। सरदार, अब मैं चलूं लस्सी पी के? देखा बिजली रानी, कुत्ते चलते हैं टुकड़ा खा के, और ये एक हमारा कुत्ता है जो चलता है लस्सी पी के। ऐसा ही होता ये है सरदार। ये सब आपकी मेहरबानी है, मैं चलूं लस्सी पी के? हाँ बंधुओं, जैसा आप सबको ज्ञात है, इस गांव के प्रधान का मर्डर हो चुका है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रधान का चुनना बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी भले आदमी को आप प्रधान नियुक्त कर दें। साहब, हमारे यहाँ तो सभी सीधे और ईमानदार लोग हैं, आप किसी को भी प्रधान बना दें। किसी को क्यों, तुम बन जाओ अमर भाई, तुम इस गांव के रिश्तेदार भी हो। नियमानुसार जिसकी गांव में वोट हो वही गांव का प्रधान बन सकता है, रिश्तेदार की गांव में वोट नहीं है इसलिए रिश्तेदार प्रधान नहीं बन सकता। ठीक है साहब, हमारे शेख जी को प्रधान बना दीजिए। भाइयों, आप सब खुश हैं? हम सब खुश हैं। बा भाईजान, मुझे नहीं बनना प्रधान। प्रधान बा, मुझे क्यों प्रधान बना रहे हो? मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? रुक जाना, मुझे प्रधान प्रधान नहीं बनना। शेख जी, जब तुम्हें पूरा गांव बोल रहा है बन जाओ प्रधान, गांव का तो डंड भी अच्छा होता है। बा रुक जाना, बा तुझे बता बावली, धोरे नेड़े का जितने प्रधान है सब प्रधानों की घरवाली रौंड बैठी है। अगर गांव की हिफाजत के लिए मेरी बहन विधवा हुई है तो एक और भी तैयार है। ठीक है जी, ठीक है, बना दे मुझे प्रधान, बना दे मुझे बलि का बकरा। हाँ, हम करेंगे गांव की भागदौड़। अच्छा तो जी, मैं चलूं लस्सी पी के? को सर्वसम्मति से प्रधान बनाना चाहते हो तो बना दो, मैं लिख के दे रहा। मगर साहब एक बात है, जब तक गांव में गद्दार जन्म लेते रहेंगे जब तक इस इलाके में उनका कहर खत्म नहीं हो सकता गुंडों का। शेख जी, ऐसे तो तुम सारी आम भी खा जाओगे, फिर अचार काय कर डालेंगे। चुप कर, ऐसे तो तुम सारी आम भी खा जाओगे, वह खत्म हो जाएगी। शेख साहब घर पे हैं क्या? प्रधान जी घर पे हैं क्या? आओ आओ, आओ प्रधान जी आओ, कैसा आना हुआ? आना क्या प्रधान जी, एक खेत नापना था, वो कह रहे थे जब तक प्रधान जी नहीं आएंगे वो खेत नहीं नापेगा। वो कौन? वो अमर। ये तो है हमारे गांव वाले, मेरे बगैर कुछ काम करने को तैयार नहीं है, और वो तो अमर है। ठीक है चले जाओ, अमर ने बुलाया तो। चलो शेख जी आओ, जल्दी करो। अब इधर बैठ कर काटूंगी, या अल्लाह। अब तो ठीक रहा भाई अमर, शेख जी को प्रधान बना दिया। हाँ भाई शिवा, शेख जी ईमानदार आदमी है, किसी से भेद ना भाव। अब चलो बधाई तो दे आवे शेख जी को। हाँ चलो बधाई दे दे। हाँ शेख जी को। अमर, शिवा, अरे आओ भाईजान, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, मगर प्रधान जी कहाँ गए? हमें तो दावत लेनी है, क्यों भाइयो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर दावत तो आपको देनी चाहिए अमर भाई, खेत तो आपका बिका है। खेत? खेत बिका? किसका? कौन कह रहा? हाँ हाँ, उसी के लिए तो आए थे,
वो कह रहे थे अमर का खेत बिका, वो नापने के लिए गए हैं। मगर मैंने तो कोई खेत नहीं बेचा। हैं? चलो तो शेख जी को देखेंगे चल के। चलो भाई चलो, चलो शिवा चलो। आओ आओ। शेख जी को बहका कर ले गए, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा। साका मुझे माफ कर दे, मैं तो बन भी ना पड़ता, मैं मुझे ना गांव वाला ना बना। बोल प्रधान बोल, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। मैं हाँ नहीं करूंगा, मारो साले को, मारो साले को। हाँ बोल दे प्रधान, वरना ऐसा करंट मारूंगी, तीन जन्म तक हाँ कहती औलाद पैदा होगी। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, हाँ नहीं मानूंगा। तब तक मारते रहो जब तक ये हाँ ना बोले, मारो साले को। और मारो उसको, और मारो, मार डालो कुत्ते को। सरदार गांव वाले आ रहे हैं, चलो। अच्छा ये है। जी, क्या हुआ शेख जी, उठो शेख जी, शेख जी क्या हुआ? शेख जी मुझे पता है ये क्या हो रहा है। शेख जी आंखें खोलो शेख जी, कुछ तो बोलो शेख जी। मैंने तुम्हें पहले मना किया था मगर तुम मेरी बात नहीं माने। चलो अमर भैया इन्हें उठा के घर ले चलो। अब उठ भी नहीं रहे। हाँ चलो ले चलो, चलो उठाओ भाईजान, उठा लो। देखो भाइयों, अब पानी सर से उतर चुका है, या तो हमें ये इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर कोई उपाय करना पड़ेगा। भाई अमर, शेख जी हमें सभी पुलिस में जाना चाहिए। कहाँ की पुलिस? मेरे पिताजी को और शेख जी का अब्बू को मार दिया, पुलिस ने रिपोर्ट तक भी नहीं लिखी। शेख जी तुम बताओ ना कुछ अकल। तुम बता रहे सारी अकल, मैं कहाँ से अकल बताऊँ, मेरी तो सालों ना सारी झाड़ दी। अगर तुम लोग टाइम पर ना पहुंचते तो दालों ने मेरा बजा तो बजा दिया। चलो तो भाइयों थाने चलते हैं। देखो भाइयों, खबरी जो है गांव का स्याना आदमी है, इसे भी साथ ले चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा लस्सी पी के, मुझे तो बहुत काम है लस्सी पी के। मैं अमर भाई जितना करो, बिल्कुल भी जितना करो, ये जाने वाला नहीं है। भाई जान आप पियो अपनी लस्सी। ठीक कह रहे प्रधान जी, लस्सी पी के मैं नहीं जाने वाला लस्सी पी के। ठीक है आप पियो अपनी लस्सी, निकलो। इस जैसा बदतमीज कोई नहीं है अमर भाई। ठीक कह रहे हो, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सारे इलाके में नाश की जड़ ये साला खबरी है। जानता हूँ शेख जी, जानता हूँ मैं इसको, इसकी नसों में कैसा गद्दारी का खून भरा हुआ है। दरोगा साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। बोलो कैसे आना हुआ? दरोगा जी आना क्या हुआ, वो साका है ना, उसने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा। दरोगा साहब वो हमारे नए प्रधान शेख जी है ना, साका आज उनका अपहरण करके जंगल में ले गया और उन्हें बहुत मारा, अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो उन्हें जान से मार देता। ये वही साका है ना जिसने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है और खून खराबा फैला रखा है। राम सिंह गाड़ी निकालो, आज हम देखते हैं इस बदमाश को। चलो जी चलो। तो आप पहचानते हैं बदमाशों को? हाँ पहचानता नहीं, जानता भी हूँ, मेरे पे बीती है सर, उसे कौन भूल जाएगा। तुम जानते नहीं हो क्या? जब तुम लोग सब कुछ जानते हो तो पुलिस को क्यों नहीं बताते हो? हाँ पुलिस को कुछ बताते क्यों नहीं है, पुलिस तो पहली बार आई है इस गांव में। अब से पहले कभी पुलिस गांव में नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ,
वो जो प्रधान जी जलालू और हमारे दो पुलिस वालों का मर्डर हुआ था उसका कोई गवाह है क्या? हाँ, मैंने देखा, मैं गवाह हूँ। शेख जी तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते बस। मैं समझता हूँ तुम डरे हुए हो, लेकिन तुम लोग डरो नहीं क्योंकि बहुत जल्द शाखा हमारे कब्जे में होगा। कब्जे में होगा? दरोगा साहब की जय। दरोगा साहब की जय। अच्छा बताओ कौन चलेगा मेरे साथ में जहाँ शेख चिल्ली की पिटाई हुई थी? बताओ, कोई नहीं चलने वाला? जब तुम लोग पुलिस का साथ नहीं दोगे तो पुलिस क्या करेगी? दरोगा साहब, ये कोई ना जाए ना जाए, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पिटाई तो मेरी हुई है ना, दही तो मेरी टूटी है, बक्कल सा तो मेरा उतरा। अच्छा तो चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ। शेख जी मैं भी चल रहा हूँ। साथ चलो। शेख जी मैं भी चल रही हूँ। आओ चलो। अरे शेरा, तूने इंस्पेक्टर को माल पहुंचाया या नहीं? हाँ सरदार, पूरा पैसा मैंने उनके यहाँ पहुंचा दिया। अरे बिजली, वो इंस्पेक्टर तो गांव तक पहुंच गया। अच्छा, वो दरोगा गांव वालों की फरियाद सुनकर गांव तक आ गया? अरे तूने कुछ नहीं किया? सरदार हुक्म करो, कहो तो इंस्पेक्टर को काट के दरिया में बहादूं। अरे कालिया, तूने भी कुछ नहीं किया? अरे सरदार, ऐसे इंस्पेक्टर ना जाने कितने आए और कितने गए, देख लेंगे इसे भी। अरे आज पीने का प्रोग्राम नहीं है, तुमने बोतल नहीं मंगाई? अरे बोतल क्या, बोतल क्या, पूरा मेगा पूरी मंगाई है। लेट्स गो रोटे हेल्प कर। आओ खबरी, क्या खबर लाए हो? वहाँ जाने की जरूरत नहीं है लस्सी पी के। जहाँ तुमने शेख चिल्ली प्रधान को पीटा था वो वहीं आ रहा है लस्सी पी के। ये तो और भी अच्छी बात है, ससुरों को वहीं टपका देंगे लस्सी पी के। तुम दे लो, हम तो पी जाते हैं। शाका, अपने आप को हमारे हवाले कर दे और अपने हथियार फेंक दे। इंस्पेक्टर, इस इलाके में ऐसी कोई आवाज पैदा नहीं हुई जो शाका तक पहुंच सके। लेकिन ये आवाज तो तेरे कानों तक पहुंची है ना आरामजादे। समझदारी इसी में है कि अपने हथियार फेंक दे वरना मारा जाएगा। इंस्पेक्टर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, वापस चला जा वरना जिंदा गाड़ दूंगी। इंस्पेक्टर, शायद तू यह नहीं जानता, जिन कीनापुर वालों के कहने पर तू यहाँ तक आया है, कल तुझे पहचानने से भी वो मना कर देंगे। बस अपना भाषण बंद कर। अरे आप जाओ, एक को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, जला डालूंगी तुम्हें, मारो कुत्तों को मारो। तुम इस बच्चे को लेकर सरदार के पास जाओ, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। अरे बच्चे का बहुत ध्यान रखना, बहुत तेज बच्चा है। आओ चलो। गाँव वालों, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कोई तो बचाओ भैया। लाला जी क्या बात हो गई? अरे मेरे बच्चे को बचा लो भैया, मेरे बच्चे को बचा लो। किससे बचा लो तुम्हारे बच्चे को? मेरे बच्चे को शाखा का आदमी उठा के ले गए, उससे बचा लो। शेख जी तुम तो गांव के प्रधान हो, मुखिया हो, मेरे बच्चे को बचा लो, कुछ तो करो, कुछ भाग दौड़ करो। भाग दौड़ करूं? ठीक है, ये लो ये लो और लो, ये लो ये लो और लो। अरे शेख जी ये क्या कर रहे हो आप? हाँ ये क्या कर रहे हो आप?
भाई इन्होंने मुझे कहा कुछ भाग दौड़ करो, मेरी भाग दौड़ में कमी हो तो मुझे बता दो। अगर गांव वालों मेरे बच्चे कुछ हुआ तो मैं रो रो के अपनी जान दे दूंगा। सुना गांव वालों, अगर हम सब लाला के बेटे को छुटाने के लिए चले तो सब तैयार हैं? नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं जी। देखा लाला जी, तेरा बेटा छुटने वाला नहीं है, तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। नहीं बच सकता साका के पंजे से तेरा बेटा, क्योंकि ये सब मजबूर हैं, ये सब मजबूर हैं, तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। शेख जी, तुम मेरे बच्चे को बचाओ। उनके लोग कह रहे थे कि इसका खून जो साका को चढ़ेगा, कि वो मेरे बच्चों को मार डालेंगे, तुम ही बचाओ मेरे बच्चे को। मैं बचाऊं? क्या करना चाहिए, साका को बच्चे का खून चढ़ेगा? ठहरो लाला, तेरे बेटे को शेख छुटा के लाएगा, शेख छुटा के लाएगा तेरे बेटे को, उसका खून साका को नहीं चढ़ेगा। नहीं छोड़ेंगे, बच्चा छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। प्रधान गांव का साले मार दो, जान से मार दो। ये तो साले आने पैसे गांव का प्रधान नहीं बनाया मुझे, साका को बच्चे का खून चढ़ा बस। साले साले जान से मार दो, साले बेच दूंगा पोट निकाले, साले बाजार के भाव एक भाव काट के प्रधान हूँ, साले खा जाऊंगा, साले जब खा जाऊंगा साले तुम्हें साले आज साले लाला जी परेशान क्यों हो रहे हो? बच्चा मिल जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। लाला धनी राम, लाला जी ये लो आपका बच्चा। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे बेटे, जो तुमने मेरा बच्चा ला दिया। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जब भी कोई मदद तुम्हें पड़ेगी मैं दूंगा। लाला जी इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, और ऊपर वाला किसी को मजबूर ना करे ताकि मदद मांगनी पड़े। सरदार बहुत दर्द हो रहा है। सरदार वो लोग आ गए। बच्चा कहाँ है? सरदार बच्चा तो शेख चिल्ली छीन के ले गया। क्या? डूब के मर गए होते, यहाँ आने से अच्छा था। शाका लंगड़े घोड़ों पर दांव नहीं लगाता है। नहीं सरदार नहीं, इन्हें एक मौका और दो। अगर कीनापुर के उस शेख चिल्ली में प्रधानी की गर्मी बढ़ गई है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। आज का दिन कत्लेआम का दिन होगा। अगर कीनापुर वालों को जवाब नहीं दिया तो साका का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सरदार जी, जय सरदार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, आप आराम करो, मैं सारा काम आज निपटा दूंगा। देखो गांव वालों, हम यहाँ शेख चिल्ली से मिलने आए हैं, अगर कोई बाहर आया तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, और अगर किसी और को हमसे मिलना हो तो बाहर आ जाए। कहाँ है शेख चिल्ली? वो तो है नहीं यहाँ पर। कहाँ है? पता नहीं, हरामजादी बताती है या करंट से बताएगी कहाँ है तेरा खसम? मुझे पता नहीं है, वो तो बाहर गए हैं कहीं। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, हमें शेख चिल्ली चाहिए और शेख चिल्ली को तू। जगावर उठा ले साली को। क्या? सेकी बचाओ मुझे, बचाओ सेकी मुझे, बचाओ सेकी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो, तुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सेकी, मुझे बचाओ सेकी, सेकी।
सरदार शेख चिल्ली नहीं मिला, हरामजादे की बीवी को उठा लाए। अरे वाह, इतनी सुंदर बीबी और शेख चिल्ली काला कौवा। तू तेरे जैसे सफेद बुगले से तो मेरा काला कौवा ही ठीक है। हराम जादी, फालतू बोलेगी तो खून पी जाऊंगी तेरा। सरदार इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए। होगा, जरूर होगा, सबका मनोरंजन होगा। बिजली एक बोतल और ला। जी सरदार। लो सरदार। आओ शहीदी, कैसे आना हुआ, बोलो क्या काम है। आना क्या हुआ धनी राम जी, आज गांव के हर घर में मातम छाया हुआ है। पूरे गांव में मारकाट मचा कर चले गए शाखा के आदमी। लाला जी इतना ही नहीं, रुखसाना भाभी को भी उठा कर ले गए और सात लोगों को मार के चले गए। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं चला। लाला जी हमें आपकी मदद चाहिए। शेख जी इस इलाके को उससे मुक्त करवा दो, वरना यहाँ बच्चा तो क्या दाना भी पैदा नहीं होगा। लाला जी इसीलिए तो आपके पास आए हैं। इस इलाके को बचा लो, लाला धनीराम जो तुम्हें चाहिए देगा। लाला जी हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बोलो पैसा कितना चाहिए। जितना चाहे ले लो, लेकिन एक बार पुलिस की मदद जरूर ले लो। ठीक है, लो पैसे। शुक्रिया लाला जी, चलो अब चलते हैं। शेख जी अब तो पैसे मिल गए, चलो हथियार लाते हैं। अमर पहले साले पुलिस वालों को मारो, फिर शाखा को मारेंगे। मगर पुलिस वालों को मार देंगे तो शाखा का पता कौन बताएगा। शाखा का पता बताएगा, शाखा का पता बताएगा, शाखा का पता बताएगा। खबरी। हाँ खबरी, आज पुलिस वालों की खैर नहीं। दरोगा जी आप रिपोर्ट लिखिए, साका ने पूरे गांव में खून खराबा मचा दिया। देखिए पुलिस मांगती है सबूत, वो जो लोग मरे हैं वो तुम्हें कैसे पता कि वो शाका के ही आदमी हैं? मैं इंस्पेक्टर साहब सबूत वबूत कहां से लाएंगे, आप हमारा यकीन करो। बकवास बंद करो, ऐसा करिए आप जाइए यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। दरोगा जी आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे ये क्या करेगा जब शाका इसे हराम की खाने को देता है। बकवास बंद करो नहीं सबको अंदर कर दूंगा। तेरी गलती नहीं है इंस्पेक्टर, जब कोई कुत्ता किसी का टुकड़ा खाता है तो उसको वफादार हो ही जाता है। रही कुत्ते की बात, उसे क्या पता कि टुकड़ा मैं किसी वफादार का खा रहा हूँ या किसी गद्दार का खा रहा हूँ। हवलदार इन सब को बंद कर दो। तू क्या बंद करेगा हरामजादे, तुझे तो बंद हम करेंगे। मारो सालों को, मारो मारो सालों को, अंदर बंद करो सालों, मारो मारो इन्हें अंदर, साले नंगा करूंगा, नंगा करूंगा साले तुम्हें। हां नंगे हो, कपड़े उतारो, कुंडी मार दो। चलो। मगर शेख जी शाखा का पता कैसे चलेगा? हाँ शाखा का पता बताएगा खबरी। खबरी चलो तो चलो, चलो। हरामजादो देख लूंगा तुम सबको। ताऊ सेव कैसी बनी लस्सी पी के? बहुत बढ़िया बनी। तो नाच लेने कब आऊं लस्सी पी के? अभी आ जाइए, मुझे पास के गांव में जाना है लस्सी पी के। लस्सी पी के ले आ, अब जब लेने आ जाइए। ठीक है मुझे पास के गांव में जाना है। चला जा। अभी मुझे दूसरे गांव में जाना है, सेव बनानी है लस्सी पी के। दूसरे गांव में कल आ जाइए। ये खबरी घेरो साले को, खबरी के बच्चे। अरे भाई मुझे मत मारो लस्सी पी के। साका का पता बता दे लस्सी पी के। अरे भैया मुझे पता नहीं है साका का पता लस्सी पी के। तू साका का पता बताता है? जी। वरना ये गोली तुझे लस्सी पिला देगी।
बताता हूँ लस्सी पी के। बताने से काम नहीं चलेगा, साथ में चल। चलता हूँ लस्सी पी के। सीधी तरह चलता है या हाथ पर तोड़कर उठाकर ले चलूं? चलता हूँ लस्सी पी के। खबरी? अरे खबरी, पुलिस तो उसका रास्ता जानती थी ना। जी नी? जी चल। बिजली आज हमने इतनी पी ली है कि आज इसे नचाना ही होगा। नाचो। अरे सरदार को कुछ दिखा दे वरना तेरे साथ कुछ भी कर देगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, चाहे मुझे जान से मार दो, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? जरूर नाचेगी, ये नचाएगी इसे। नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, मैं नहीं नाचूंगी। यार, तू नाचेगी, तुझे नाचना पड़ेगा। बिजली चाकू ले क्या? लो सरदार। तुझे नाचना पड़ेगा, अगर तू नहीं नाची तो इस बच्ची के दो टुकड़े कर दूंगा। बहुत शौक है ना तुझे और तेरे शेख चिल्ली को बच्चों को बचाने का। आज देखता हूँ इस बच्ची को कौन बचाएगा। या तो नाच दे वरना तेरे सामने इस बच्ची के दो टुकड़े कर दूंगा। हाँ हाँ, बच्ची को छोड़ दो, मैं जरूर नाचूंगी। मुझे पता था कि तू नाचेगी, नाच। तेरी आंखों से मैं शराब पीना चाहता हूँ, तेरी आंखों से मैं शराब पीना चाहता हूँ, बस दो घड़ी मैं चैन से जीना चाहता हूँ। कर दी है आंखें मेरी चका चौंध जिसने, वो तेरे हुस्न का नगीना चाहता हूँ। हम लुटाएंगे
जुल्फों तले एक शाम बिताना चाहता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत भरा नजराना चाहता हूँ। इन लबों को होठों पे रख दो, जन्म भर के प्यासे हैं। अपनी जवानी में तेरे नाम लिख दो, अपने लबों को तेरे होठों पे रख दो। देखो तेरा दिल है या पत्थर है, बजना हो तेरा ध्यान किधर है। पतली कमर में तिरछी नजर है, सजना हो तेरा ध्यान किधर है। पतली कमर में तिरछी नजर है, सजना हो तेरा कमर मेरी तिरछी नजर है, सजना हो तेरा ध्यान किधर है। पतली कमर मेरी तिरछी नजर है, सजना हो तेरा ध्यान किधर है। खबरीलाल यहाँ सरदार, पुलिस इंस्पेक्टर मिलने आया है आपसे लस्सी पी के। आने दो, आने दो, सबको आने दो। इंस्पेक्टर साहब आ जाओ, लस्सी पी लो। साका, अपने हथियार फेंक दो, वरना इसके सर से सारा भेजा उड़ा दूंगा। फेंक दो सब हथियार, फेंक दो हथियार, सारे कट्ठे कर दो हथियार, सब एक जगह रख दो। बस हाला कोई सा रखमत लिया दीवार कर दे। चलो सारे लाइन लगा के खड़े हो जाओ, लाइन लगा लो सालो, सुनी नहीं है अभी। शेख जी इन्होंने मुझे बहुत नचाया। क्या बात, तू ना शेख जी घर वाली को नचाया रे साका। अच्छा तो तुझे डांस देखने का बहुत शौक है साका, आज इस इलाके में ऐसा डांस दिखाऊंगा कि इस इलाके ने देखा भी नहीं होगा। बहुत शौक है ना तुझे डांस देखने का, चल इसे लाइन में खड़ा हो जा रहे कुत्ते। डांस देखने का बहुत शौक है रे अमर, इन लोगों को सालों को डांस देखने का बहुत शौक है ना। आज डांस शेख चिल्ली देखेगा, आज इसी इलाके का हर बंदा डांस देखेगा। बहुत कहर था साका के नाम का, बहुत कहर था साका के नाम का, बहुत कहर था साका के नाम का। मार डाले बीवी बच्चे घर वाले, परिवार के परिवार नष्ट कर दिए इन कुत्तों ने। आज हम देखेंगे डांस और ये नाचेंगे कुत्ते। किस पे आता है डांस, जरा आना डांस दिखा। मैं नहीं नाचूंगा। नहीं नाचेगा, नहीं नाचेगा, ठीक है इधर आ, डांस दिखा। मुझे नहीं आता सर। नहीं आता दे जरा, नहीं आता दे जरा, अमर डाल। डाल दूं, ये ले। आओ आओ लंबू आओ, नाचेगा नहीं अमर, इसे तो भी दे। तू भी ले। आओ 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 कालिया आओ, डांस दिखाओ। मैं नाचूंगा सरदार। नाचेगा नहीं नाचेगा। आओ, आओ मुझे आओ, तो नाच आता है। डांस करो वे, घूम ले जरा बेटा, वो इधर नाच पड़ा सारा, गाना गाना पड़ेगा। पतली कमर मेरी तिरछी नजर है, सजदा तेरा ध्यान किधर है। सरदार मुझे छोड़ दो। साले आओ, आ जा बेटे, डांस दिखा जल्दी से। नहीं नाचूंगा। क्या कहा, नहीं नाचेगा, नहीं नाचेगा, तो ये ले जरा नाच के दिखाओ। मैं सर, मैं नहीं नाचूंगा। नहीं नाचेगा, नहीं नाचूंगा। नाचेगा क्यों नहीं, नहीं नाचूंगा, नहीं नाचेगा। अरे गोली से ठक रहे हैं पर नाच के नहीं दिखा सकते। आओ आओ बंगाली बाबू आओ। साले बंगाल साका इस इलाके में साका के साथ रोब जमाता है, रोब जमाता है, रोब रोब जमाता है साले, रोब जमाता है। नाच नाच, हमें नाच नहीं आता।
नहीं आता डबल ले, मार डालूंगा साला ना। सबने दारू भी रखी है साला, सब बदतमीज है साला ने मेरा मुंह भी सड़ा दिया। नाच के दिखा, डांस कर, बहुत शौक है तुझे नाच देखने का, नाच पतली कमर, आए पतली कमर। मुझे तो जिंदगी प्यारी है, मैं तो नाचूंगा। हाँ जिंदगी प्यारी तो नाच नाच, पतली कमर मेरी तिरछी नजर है, सजना तेरा ध्यान किधर है। किधर आ जा डिस्को डांसर, जो साला नाच रहा वही ठीक है, उधर चला जा। आओ आओ, तेरा क्या नाम है रे काली? सेगी, इसका नाम बिजली है। बिजली? आज के बाद इस इलाके में बिजली नहीं आएगी, आज के बाद इस बिजली से कोई चांदना नहीं होगा, आज के बाद इन गुंडों की इस बिजली से कोई ट्यूब नहीं उठेगी। बहुत डांस देखना चाहती है ना तू रुखसाना का, हैं? जरा तू अब जरा नाच के दिखाना, आज डांस सब गांव वाले देखेंगे रे बिजली। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अरे ओ अमर जी, शेख जी, इस सागा का पूरे इलाके में कहर है ना? हाँ प्रधान जी। इस इलाके में इस गुंडे ने अपनी ताकत से हर मासूम को सताया है, हर माता बहन को सताया है, और दाले ले मेरे टमाटर भी फोड़े हैं। आज हम इसके भी टमाटर फोड़ेंगे, बहुत मोटा है, आज पहाड़ के नीचे आया ना है, उठ डांस कर, आज तुझे नाचना होगा। नाचता है या गोली मार दूं? नहीं सेठ जी, मैं इनकी बिजली हूँ। तू इसकी बिजली है, इसका मतलब तू इसकी बिजली है, तो तेरा ट्रांसफार्म हुआ, आज ये ट्रांसफार्म फूक जाएगा, कोई ट्यूब नहीं जलेगी बिजली। साली मैं इसकी बिजली हूँ, ये ट्रांसफार्म हुआ, आज के बाद इस ट्रांसफार्म में कोई करंट नहीं होगा, इस ट्रांसफार्म से जाने वाली बिजली से इन गुंडों की कोई ट्यूबलाइट नहीं उठेगी। हैं? पूरे इलाके में कितने मासूम मारे हैं, आज मासूमों का बदला लेंगे। और ये वर्दी देश की सच्ची वर्दी, इसे पहन के कुछ लोग गद्दार हो जाते हैं जिन्होंने इस इलाके में तुम्हारी तबाही को तवज्जो दी है, लेकिन आज नहीं, ये वर्दी ऐसे देश की वर्दी है जैसे गद्दार खत्म हो जाते हैं। चलो नाचो, दोनों नाचो, वह म्यूजिक चला दो। हाँ हाँ नाचती हूँ। चूना मुझे उम्मीद नाजुक सी कली, ओए डालें इस कली को फूल हम बनाएंगे, तेरी जवानी के चरते गली गली। चूना मुझे मैं हूँ नाजुक सी कली, तैरती हूँ अभी मेरी छोटी सी उम्र है, सजना तेरा ध्यान की। बाप खड़ा क्या देख रहा, हाथी नहीं नाचा है। चमक रहा है तेरे हुस्न का जुगनू आज शाम से, टकराने दे तू जाम को, बस बाकी बच्चों को गोली मार दो सबको। हाँ देखते रहो सब लोग। कातिल लताओं पर जान हम लुटाएंगे, प्रधान जी इन जालिमों ने पूरे इलाके में कहर मचा रखा है, पूरे इलाके को इनके कहर से मुक्त कर दो। ठीक है अमर, ठहरो। नहीं नहीं डीआईजी साहब, ये काम पुलिस का है, इसे पुलिस ही करेगी। आज तुम्हारी पुलिस चल के आई है, कल तुम्हारी पुलिस कहाँ थी, कहाँ था वह कानून जब गांव के मासूम बच्चे कत्ल किए जा रहे थे? ये गुंडे आकर के गांव के चौराहे पे कत्ल करके चले जाते हैं, गांव का माल लूट कर ले जाते हैं, हमारी माता बहनों को इन्होंने बेआबरू करके इस इलाके में पूरा कहर बरसाया है, कहाँ था कानून? आज कानून बताना सिखाने आए हो हैं? इस कुत्ते की आज मौत जरूर होगी। प्रधान जी कानून अपने हाथ में मत लो। नहीं, आज यहाँ किनापुर का कानून चलेगा, चलेगा। अरे ये तो रोज कानून लेते आए हाथ में, आज किनापुर का कानून चलेगा।
और ये कानून जरूर लूंगा। काले पर्दों की सजा हम देंगे। अच्छा ठीक है, हमसे वादा करो आज के बाद कोई शाखा इलाके में पैदा ना हो। हाँ हम वादा करते हैं आज के बाद इसके इलाके में कोई शाखा पैदा नहीं होगा। हम मानते हैं आप जैसे गांव के प्रधान होंगे उस गांव में कभी जुल्म नहीं होगा। ठीक है, अगर यही बात है तो इन कुत्तों को मैं आपके हवाले करता हूँ। साका मुझे बचा लो, साका साका मुझे बचा लो। तो इस तरह हुआ शेख चिल्ली के गांव की डकैती का अंत। वर्दी तुझे वर्दी तुझे, वर्दी, तुझे, वर्दी, तुझे, वर्दी, तुझे, वर्दी, तुझे